नमस्कार, विभाता में आपका स्वागत है। देश में सम्मान लौटाने का सिलसिला जारी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यदि ये सम्मान लौटाने का सिलसिला जो चल रहा है, कहीं ये पूरा राजनीतिक तो नहीं है? मुझे तो इससे बड़ा कोई तमाशा नजर नहीं आता। मुझे दुख है कि बहुत सारे ऐसे नाम जिनका हम सम्मान करते थे, वो इस तरह सम्मान लौटाने की धारा में बह चले हैं। मुझे बहुत अफसोस इस बात का है कि ऐसे हालात गढ़ने की कोशिश की जा रही है, जिन हालातों की जमीन पर हमें हकीकत दिखाई नहीं देती। आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये क्यों लौटा रहे हैं, ये लोग बात क्यों नहीं करना चाहते। जो लोगों के पास कलम की ताकत है, रचने की ताकत है, नाटककार, फिल्मकार, साहित्यकार, जो लिखकर बोलकर अपना विरोध सशक्त तरीके से दर्ज करा सकते हैं, उन्होंने सम्मान वापसी का रास्ता अपनाया है। मुझे इससे दुखद कोई नजर नहीं आता। मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं, पुरजोर विरोध करता हूं। हमारी संपादकीय नीति के तहत भी हम इसका विरोध करते हैं। हमें लगता है कि इससे बेहतर तरीका होगा कि आप अपनी आवाज को बुलंद करें। उस आवाज को रोकने की कोई कोशिश करेगा तो देश की पूरी जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आप मुझे बताइए कि क्या किसी का कोई ऐसा उपन्यास था जो छपना चाहिए था और नहीं छप पाया और उस पर रोक लग गई? आप बताइए कि अगर कालिख भी पूती सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह पर, लेकिन उनकी प्रेस वार्ता हुई और उसको पूरे देश में लाइव दिखाया गया और जिन लोगों ने ये काम किया था उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि आप जिस तरीके से एक देश में इस तरह आपातकाल के इमरजेंसी के हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप किन घटनाओं को लेकर कर रहे हैं? क्या आप दादरी की घटना को लेकर कर रहे हैं? क्या आप कलबुर्गी को लेकर कर रहे हैं? क्या आप सोनपेड़ की घटना को लेकर कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह कि इन घटनाओं के तह में तो जाइए। सोनपेड़ की घटना में तो देखिए, जो जांच हुई है उससे तथ्य सामने आया कि अंदर ही घर से आग लगी थी, भीतर से, बाहर से किसी ने आग नहीं लगाई थी उन दलितों के लिए। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं कि देश के हालात बुरे हैं? तो कहां, किस स्तर पर बुरे हैं? किसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ है? किसकी बात पर चोट पहुंची है? किसकी फिल्म को रोका गया है? और चंद तत्वों ने अगर रोका है तो ये ऐसे तत्व पहले भी थे। इन्हीं शिव सैनिकों ने पहले पिच तक खोद डाली थी वानखेड़े स्टेडियम की, ताकि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं हो। तो ये ऐसी हरकतें आज करने पर तो उतारू नहीं हुए हैं। इस देश में इससे बुरे हालात इससे पहले कई बार हुए हैं और उन पर आप जवाब नहीं देते। अभी तमाम टेलीविजन चैनलों की मैं बहस देखता हूं, उसमें कहते हैं कि आप पुरानी बात मत कीजिए। क्यों मत कीजिए भाई साहब? 84 के दंगों में आपने इस तरह आपके जमीन को क्यों नहीं जगाया था? जब कश्मीर में पंडितों को बेदखल किया जा रहा था लगातार, तब आपका जमीर क्यों नहीं जगा था? जब गुजरात की दंगे, आप गुजरात के दंगों की बहुत बात करते, तब आपने इस तरह के अवार्ड वापसी का सिलसिला क्यों नहीं किया था? यही नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए थे। जब भागलपुर में दंगे होते हैं तब आपने क्यों नहीं किया? जब मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं तब आपने क्यों नहीं किया? जब आपका जो जमीर जागता है वो सिलेक्टिवली जागता है अगर, तो फिर सिलेक्टिवली जगे हुए जमीर का तो विरोध होगा हिंदुस्तान में। और आप जो सम्मान वापस कर रहे हैं वो किसके सम्मान की वापसी कर रहे हैं? आपको जो सम्मान वापस मिला था, आप सोचते हैं कि आप उस काबिल नहीं है? आप सोचते हैं कि सम्मान तो दिया था तो इस सरकार ने तो दिया नहीं था और इस सरकार ने दिया और इसी को आप लौटा रहे? तो समझ में आता है, वो मुनव्वर राणा के अलावा और कोई ऐसा अपवाद नहीं है। सारे सम्मान पुराने हैं, पुरानी सरकारों द्वारा दिए गए हैं। तो आप ये मानते हो उस सरकार के समर्थन में आप थे और इस सरकार के विरोध में हो? मुझे इस पूरे तमाशे का तफसील समझ में नहीं आता। और इससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो बड़े नामी लोग हैं। उन लोगों ने अपने कला के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से एक नई परंपरा गढ़ी है, चाहे वो मुनव्वर राणा हो, चाहे उदय प्रकाश हो, प्रार्थ, मतलब जितने लोगों के आप नाम ले लीजिए। नयनतारा सहगल ने अवार्ड वापस कर दिया, उनसे पूछा जाना चाहिए उनने पहले क्यों नहीं इस तरह की पहल की, उसके बाद ही दरअसल ये सिलसिला चला है। मुझे कहीं ना कहीं इसमें इस चीज की भी वो आती है कि एक एक हिंदुस्तान का बुर्जुआ वर्ग है, हिंदुस्तान का एक ऐसा तथाकथित संभ्रांत वर्ग है जो कभी भी, जो ऐसे लोग हैं जो गांवों से आते हैं, पिछड़े तबके से आते हैं और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में नहीं पढ़े हैं या जबरदस्त अंग्रेजी के जरिए सत्ता और शासन चलाना नहीं जानते, उनके खिलाफ ये वर्ग लगातार रहता है क्योंकि ये स्वयं को बौद्धिक और दूसरों को मूर्ख मानता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सम्मान सरकारें नहीं देश देता है, ऐसे में सम्मान लौटाना देश का अपमान है। बिल्कुल है देश का अपमान। सरकार तो देश के प्रशासन की प्रतिनिधि बनकर आपको सम्मान दे रही, राष्ट्रपति सम्मान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री सम्मान दे रही, तो उस कुर्सी, उस पद के द्वारा, एक व्यवस्था के जरिए वो सम्मान आप तक पहुंचाया जा रहा है। बल्कि सम्मान को वापस करके आप ये साबित कर रहे हैं कि उस वाली सरकार से आपका कुछ गठजोड़ था, उस सरकार ने आपका कुछ सहानुभूति जताई थी, आपकी कला का सम्मान किया था या आपके प्रति उनके जो विचार थे उनका सम्मान किया था? और देश का सम्मान है तो देश का अपमान करने का आपको अधिकार नहीं है। मैं ये मानता हूं कि एक तरीका होता है, एक मजबूती होती है, एक अफवाह के रूप में आता है। देखिए, जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी ब्रिटिश हुकूमत द्वारा दिया गया जो सर की उपाधि थी उसको लौटाया था और उसकी वजह से देश दुनिया में इसकी चर्चा हुई थी, वो उदाहरण आप देते हैं। लेकिन वो इस तरह का एक अपवाद यहाँ पर एक उदाहरण बनाकर लागू नहीं किया जा सकता। वो ब्रिटिश हुकूमत थी, विदेशी हुकूमत थी, उस हुकूमत ने एक नृशंस नरसंहार को अंजाम दिया था। उस नरसंहार के विरोध में जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी ऊंची शख्सियत अपनी उपाधि लौटाती है तो वो एक निश्चित तौर पर
अलग माहौल और अलग परिवेश की रचना करती है, जिसमें हिंदुस्तान की आवाज, जबकि उस वक्त मीडिया नहीं था, तो उस मीडिया की गैर मौजूदगी के बावजूद सत्ता के गलियारों से टकराती हुई और ब्रिटेन के राजमहल तक पहुंच पाई थी। आज हालात वैसे नहीं है, आज मीडिया मजबूत है, अभिव्यक्ति के तमाम माध्यम उपलब्ध हैं। अगर मुख्य धारा का मीडिया आपको स्थान नहीं देता तो आपके पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, ब्लॉग है। आपको देश के टेलीविजन चैनल कुछ कहने का मौका नहीं देते तो आप विदेशी टेलीविजन चैनल को साक्षात्कार देकर अपनी बात कह सकते हैं। लोग ऐसा करते भी हैं। मुझे लगता है कि शायद उस वक्त अभिव्यक्ति के माध्यम इतने मुखर होते तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन मंचों पर जाकर अपनी आवाज को बुलंद करना ज्यादा सही समझा होता। तो देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से विरोध के तरीके बदलते हैं। आज के समय में विरोध के तरीके इससे ज्यादा रचनात्मक होना चाहिए, खासतौर पर उन लोगों के जरिए जो रचनाक्रम से जुड़े हुए हैं। इन दिनों एक आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि देश में हिंदू धार्मिक निरंकुशता बढ़ रही है, इसे कितना सही मानते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है ये प्रस्तुत करने के तरीके पर निर्भर है। हिंदू कट्टरवाद और मुस्लिम कट्टरवाद इस देश में पहले से मौजूद रहा है। इस देश में दोनों तरह के जो तत्व हैं वो आपस में लड़ते भिड़ते रहे हैं और वो इस देश के जो विकास की सबसे बड़ी बाधा है ऐसा कहना चाहिए। और इन लोगों ने निश्चित तौर पर देश के सामाजिक ताने बाने को लगातार चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और ये दोनों ही जो पक्ष हैं, इनका स्वार्थ ही इसमें है कि इस तरह के मुद्दों को उछालते रहे। मुझे लगता है कि 1857 के गदर में जो चर्बी लगे कारतूस भारतीय सेना को सौंपे गए थे, जिससे कि हिंदू मुस्लिम फूट वहां पर आ जाए, वो जो कारतूस हैं, वो चर्बी लगे कारतूस आज भी मौजूद हैं। हम उस फूट डालो और शासन करो की नीति का शिकार आज भी हैं। ये जो तत्व हैं, ये समाज में शुरू से मौजूद रहे हैं। इन तत्वों की वजह से समाज का ताना बाना शुरू से बिगड़ता रहा है, लेकिन अभी इनको इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है गोया के इस सरकार के शासन में इन तत्वों को बहुत बढ़ावा मिल रहा हो या इनको आगे बढ़ाया जा रहा हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा सही है। आप एक अभी ताजा घटना देखिए कि एक आरटीआई कार्यकर्ता पर महाराष्ट्र में एक जगह हमला हुआ है और शिवसेना ने उन कार्यकर्ताओं को तत्काल अपनी पार्टी से बर्खास्त भी कर दिया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इन तत्वों को क्या बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या इनको सही माना जा रहा है, क्या सरकार कहती है कि जो कुछ हो रहा है हिंदू कट्टरवाद जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या वो सही है। तो मुझे लगता है कि तथ्यों को सही रोशनी में प्रस्तुत करना चाहिए। दिक्कत बल्कि ये हो रही है कि इस तरह की अवार्ड वापसी से एक सामान्य व्यक्ति, जिसके पास वो बुद्धि कौशल नहीं है, घटनाओं के तह में जाने की ताकत नहीं है, घटनाओं की तह में जाने का समय नहीं है, वो केवल इन अवार्ड की वापसियों से ऐसा सोच सकता है कि देश के हालात बहुत खराब हैं। मैं नहीं मानता कि देश के हालात इतने खराब हैं। ये हो सकता है कि सरकार को अपना मानकर या सरकार को अपने फेवर का मानकर, अपने पक्ष का मानकर कुछ तत्वों ने सिर उठाने की शुरुआत की हो, पर उनके सिरों को कुचलने की ये कोई सही रणनीति मुझे नहीं लगती। उनके सिरों को कुचलने के लिए उनको सबसे पहले उनकी साजिशों को, उनके जो उद्देश्य हैं उनको बेनकाब करना होगा, उनके बारे में लिखना होगा, उनके बारे में जनता को, समाज को, सरकार को सच बताना होगा। तब मुझे लगता है कि हम एक बेहतर समाज की दिशा में आगे बढ़ेंगे, बजाय कि केवल। अच्छा, आप ये बताइए कि अवार्ड वापसी करके आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? क्या आप ये मानते हैं कि आपने अवार्ड वापस कर दिया तो इसके बाद देश के हालात सारे ठीक हो जाएंगे? तो हम क्या चाहते हैं इन अवार्ड की वापसियों से? सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि यह विरोध जो है कृत्रिम निर्मित बगावत है। मुझे लगता है कि सरकार को भी इस तरह का रुख अपनाने के बजाय जो लोग अवार्ड वापस कर रहे हैं उनसे बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। बातचीत के जरिए उनकी बातों को जब आप सुन लेंगे, उनके पास जो कोई तथ्य होंगे वो सामने आ जाएंगे। तथ्य नहीं होंगे तो वो खोखले तथ्य होंगे तो वो खुद बेनकाब हो जाएंगे, लेकिन बातचीत ज्यादा बेहतर रास्ता है। बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए। ये यहां से अवार्ड वापस करें, वहां से आप उन पर तोहमत लगाएं, ये सरकार को थोड़ा बड़प्पन दिखाते हुए इन लोगों को अपने पास बिठाकर, अपने साथ बिठाकर बात करनी चाहिए कि भाई आपको लग रहा है कि हालात खराब है तो आप हमें बताइए क्यों खराब है, कौन सी ऐसी घटना थी जिसको लेकर आप उत्तेजित हैं। अगर आप कलबुर्गी की घटना को लेकर उत्तेजित हैं तो उनके हत्यारों को ढूंढने की लगातार कोशिश कर रही है, वहां पर जो सरकार है उससे बात हो रही है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हत्या हुई है, एक व्यक्ति के विचारों की हत्या करने की कोशिश की है। विचार कभी नहीं मरता, व्यक्ति मरा है, उसके विचार अच्छे होंगे तो जीवित रहेंगे, अच्छे नहीं होंगे तो समाज खुद तिरस्कार करेगा, ये तय करने वाले लोग हम नहीं हैं, लेकिन हत्यारा कौन है इसका पता लगाकर उसको सजा दिलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, उसको करना चाहिए। नहीं करेगी तो केंद्र सरकार उसमें मदद करे। इसी तरह अगर आप दादरी कांड से नाराज हैं तो अखलाक की हत्या को किसी ने सही नहीं माना है, उनके हत्यारों को सजा देने की लगातार कोशिश सरकार कर रही है, नहीं कर रही है, तो अखबार लिखे, मीडिया लिखे, साहित्यकार लिखे, रचनाकर्मी नुक्कड़ नाटक करें, अन्य दूसरे तरीकों से जनता को जागरूक करें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। और सरकार अगर इन मुद्दों पर जवाब नहीं दे पाती है तो सरकार का कमजोर पक्ष सामने आएगा। जो साहित्यकार अवार्ड लौटा रहे हैं वो अपने तथ्य सामने नहीं रख पाएंगे तो उनका कमजोर पर बातचीत तो हो आमने सामने। मैं तो ये कहता हूं कि खुले मंच पर बिठा दीजिए इन साहित्यकारों को और फिल्मकारों को और सरकार और उसके प्रवक्ताओं को दूसरे खुले मंच पर बिठा दीजिए और सारा मीडिया देश का लाइव दिखाए। हम ऐसा वातावरण इस देश में क्यों नहीं निर्मित कर सकते? कोने में अलग अलग टेलीविजन चैनलों पर पैनल, आधे घंटे की पैनल डिस्कशन है, कौन क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा। आप रखिए,
आप एक कार्यशाला रखिए दिन भर की, जिसमें बातचीत हो, बातचीत के अलावा कुछ ना हो, उसका जो सूत्रधार कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अच्छी तरीके से इसको संचालित कर सके और आवाजें शोर बनकर टकराने की बजाय जनता तक पहुंचे और जनता को तय करने दीजिए कि किसका पक्ष ज्यादा मजबूत है। इस पूरे घटनाक्रम से कहीं देश की छवि तो खराब नहीं हो रही? निश्चित तौर पर हो रही। बाहर लोग तमाशा देख रहे हैं, बाहर के अखबारों में जो छप रहा है इसको लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स देश में होने वाले विकास की उतनी था नहीं लेता जितनी व्यापम घोटाले की और अवार्ड वापसी की। जब व्यापम घोटाला उजागर हुआ, इसके बारे में इतनी चर्चा हुई यहाँ के मीडिया में, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसके ऊपर एक बड़ा आर्टिकल लिखा। अब ये अवार्ड वापसी हो रही है उसको लेकर वहां पर लोग लेख लिख रहे हैं, गोया कि इस देश में बहुत भयंकर भीषण स्थिति हो गई हो, सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया हो, लेख लिखना, कलम चलाना, किताब छापना, फिल्म बनाना, नाटक बनाना मुश्किल हो गया हो। ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है, लेकिन विदेशों में हम संदेश इसी तरह का दे रहे हैं। तो अब इसको भी तो उनको समझना चाहिए कि इस देश के हितों के रक्षक भी आप हैं और आज के जमाने में चीजें बहुत तेजी से, बहुत तेज गति से एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचती हैं। हम डिजिटल मीडिया के जमाने में जी रहे हैं जहां पर भौगोलिक जो सीमाएं हैं वो कोई मायने नहीं रखती। आपके देश की खबरें तुरंत दूसरे देशों में पहुंच जाती है और वहां आपकी जो छवि बन रही है वो निश्चित तौर पर अच्छी नहीं मिल रही। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे सम्मान वापसी की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।